शरण हो अल्लाह के नाम से, ईश्वर के नाम से जो दयालु है और जिसने हम सबको पैदा किया। आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, आपका नौजीवन दारू मुक्ति केंद्र की ओर से मैं स्वागत करता हूँ। क्या आप चिंता है आपके पास? आप ये चाहते हैं कि लोग शराब से दूर हो जाएं, शराब जैसी बीमारी से, शराब जैसी खराबी से जो सिर्फ घरों को तोड़ने नहीं बल्कि घरों को साफ कर देने का काम करती है, तो बड़ी प्रसन्नता हो रही है, खुशी हो रही है इस मौके पर आपकी उपस्थिति देखकर। दारू मुक्ति, नौजवान दारू मुक्ति दवा खाने की ओर से हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर, उस मौके पर ये मुफ्त दारू मुक्ति शिविर का आयोजन किया गया है। तो सबसे पहले मैं नौजवान दारू मुक्ति केंद्र के डॉक्टर नईकुर रहमान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बीमारी के बारे में बताएं कि शराब से क्या क्या बीमारियां होती है, शराब कितनी बड़ी खुद बीमारी है जो पूरी बीमारियों की जो है जड़ है। तो मैं डॉक्टर नईकुर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपके सामने दो अल्फाज रखें। शुक्रिया सर। शैतान यहाँ पर आए हुए फारूख सर, हमारे साथी डॉक्टर शेंडे सर, डॉक्टर पेपरकर सर और मेरे साथी, और यहाँ पर आए हुए भाई और बहन, सलाम वालेकुम। ये मैं यहाँ पर मराठी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू जो भी है उस सब जबानों में बोलने की कोशिश करूँगा ताकि सबको बात समझ में आ सके। आपको पता ही है कि शराब या कोई भी नशा किसी भी जमाने में, किसी भी समाज में इसको अच्छा नहीं समझा गया है। इस्लाम में तो शराब को हराम करार दिया गया है। हराम का मतलब ऐसी चीज जिसको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद ये जो शराब है न सिर्फ मुसलमानों में बल्कि सभी तबकों में, लेकिन हराम होने के बावजूद भी कई मुसलमान इसको इस्तेमाल करते हैं और समाज के सभी तबकों में ये पी जाती है। दूसरी बात यह है कि इसको किसी भी धर्म, किसी भी समाज में अच्छा नहीं कहा गया। हमारे जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, वो शराब के बहुत मुखालिफ थे। इसी वजह से हम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर दारू विरुद्ध दिवस मनाते हैं। उसी तरह डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था जिनकी जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाने वाली, उसमें ये कहा गया था कि जो हमारा शासन है उसको ये कोशिश करना चाहिए कि सारे मुल्क में शराब और ऐसी तमाम नशावर चीजों का इस्तेमाल पर बंदी की जाए। और अभी 1 अप्रैल को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद मिलादुन्नबी हमने मनाई है। हुजूर, हम जब पढ़ते हैं कुरान और हिस्ट्री इस्लामी तारीख की, तो हमको ये पता होगा कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि शराब हराम करार दी गई, तो मदीना में जहाँ के लोग शराब के बहुत आदि थे, वहाँ पर जो है इतनी शराब फेंक दिए लोगों ने निकाल निकाल कर कि वहाँ पर शराब की नालियाँ बहने लगी, नदियाँ बहने लगी। तो इससे अंदाज़ा होता है कि कितनी मुहिम चलाई थी इन्होंने शराब छोड़ने की। इसी वजह से आज भी बहुत से लोग बचे हुए हैं। लेकिन जब तक हमारे पास कुछ लोग भी अगर शराब पीने वाले हैं तो इसका सब पर असर पड़ता है। इसीलिए हमारी एक कोशिश तो यह होना चाहिए कि हम ये प्रेशर लाएं अपने जो पॉलिटिशियंस हैं, नेते हैं, उन पर कि सारे हिंदुस्तान में शराब पर पाबंदी लाई जाए। लेकिन जब तक ये नहीं होता तब तक उन लोगों की जिनको ये समझता है कि दारू ठीक नहीं है, दारू मुड़े घरा बर्बाद होता, त्रास होता, त्या लोकांची ही जबाबदारी आहे की त्यांनी स्वतः दारूपासून दूर राहावा आणि जे दारूमध्ये अडकलेले आहे त्यांनाही दारूपासून दूर करावा। तर हाच उद्देश घेऊन आम्ही औरंगाबादला नवजीवन दारूमुक्ती दवाखाना
हा सुरू केलेला आहे आणि हे जे दवाखाना आहे हे काही संस्था नाही आहे, हे सरकारी मदत नाही, याला काय ही एका प्रकारची आमची प्रॅक्टिस आहे. जसं हृदय विकाराचा डॉक्टर हृदयाचा उपचार करतात, छाती विचाराचा विकाराचा डॉक्टर छातीचे उपचार करतात, तसंच आम्ही मी आणि आमचे जे साथीदार आहे डॉक्टर शिंदे साहेब आम्ही मनोविकार तज्ज्ञ आहोत, म्हणजे मानसिक रोगांचे उपचार करणारे डॉक्टर. तर दारू किंवा कोणताही जे नशा आहे हे एका प्रकारचे मानसिक रोगच आहे, त्यामुळे आम्ही याचाही उपचार करतो. आणि यासाठी आम्ही नवजीवन दारूमुक्ती दवाखाना हे सुरू केलेला आहे. नवजीवन दारूमुक्ती दवाखान्याच्या वतीने आम्ही दर महिन्याला एकदा कुठे ना कुठे मोफत दारूमुक्ती शिबिरचं आयोजन करतो. असे मोफत दारूमुक्तीचे शिबिर आयोजन आम्ही औरंगाबाद जिल्ह्याचे सर्व तालुक्यामध्ये केलेलं आहे, जालना जिल्ह्याचे जवळपास सर्व तालुक्यामध्ये केलेलं आहे, परभणी जिल्ह्याचे काही तालुक्यामध्ये केलं आहे, बुलढाणा जिल्ह्यात, अहमदनगर जिल्ह्यात, तितक्या जिल्ह्यात आम्ही कुठे ना कुठे जे आहे मोफत दारूमुक्ती शिबिरचे आयोजन केलेलं आहे. याचा ध्येय पर्पज एकच आहे की दरवेळेला जे लोक म्हणजे आमच्याकडे तर पेशंट रोजच येतात, पण त्यावेळेला त्यांना फीस देऊन उपचार सुरू करावा लागला. पण काही समाजात आपले घटक असे आहेत की जे नेहमीची जी फीस असते ते देऊ शकत नाही, तर त्यांना मदत व्हावा म्हणून आम्ही मोफत दारूमुक्ती शिबिरचे आयोजन असं करत राहतो. तर त्याचाच एक भाग म्हणून आज आम्ही कन्नडला इथे एक मोफत दारूमुक्ती शिबिरचं आयोजन केलेलं आहे. आपल्याला दारू काय, दारूमुळे काय नुकसान होतात ह्यात सांगणं मला वाटतं की माझ्याहून चांगलं तुम्ही बोलू शकतात याबद्दल. कारण आम्ही तर दारूचा उपचार करतो, दारू पिणाऱ्यांचा उपचार करतो, पण तुम्ही तर दारू पिणाऱ्यांना भोगलेला आहे, त्यांचा जे त्रास आहे तुम्हाला झालेला आहे. इथे जे